दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय मोहन को पता लग जाता है, वो भी तुलसी की मदद से सभी लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर है इस समय राधा। क्योंकि दोस्तों राधा को तुरंत ही हॉस्पिटल में हालांकि एडमिट कराया जाएगा और हॉस्पिटल में जाने की एक नहीं बल्कि इस समय कई वजह हैं। हालांकि दोस्तों इस समय दामिनी बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि दामिनी को पहले लग रहा था कि चलो फाइनली राधा जिंदा नहीं है, यू भी ठीक हुआ। लेकिन दोस्तों जब दामिनी को पता चलेगा कि राधा की अभी सांसें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन में फिर नज़र आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी वाकई में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रही है। बात की जाए इस समय की तो इधर गुनगुन ने बोल दिया है कि राधा की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि राधा को हॉस्पिटल में भी खतरा है, इसलिए हमेशा राधा के पास ही रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों गुनगुन को भी शक है और मोहन को भी शक है और मोहन की माँ को भी शक है। इस समय काफ़ी लोगों को दामिनी पर शक होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत, ऐसी गंदी और भयानक हरकत जो कर सकती है वो कोई और नहीं बल्कि सीधी तरीके से अगर बात की जाए तो एक ही शख्स कर सकता है। जी हाँ, वो हैं दामिनी और दामिनी की माँ, दोनों ही इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि इधर साफ साफ खुले शब्दों में बोलता हुआ नज़र आने वाला है मोहन। मोहन बोलेगा कि जो हो रहा है वो देखा जाएगा लेकिन जो इसमें दोषी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आने वाली कहानी में जहां पर दामिनी होगी सीधा सीधा जेल के अंदर, क्योंकि दोस्तों उसकी करतूत जल्दी ही सामने आने जा रही हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।